हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल JS बायोलॉजी क्लासेस। आई एम ज्योति सिंह। आज का नया टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन, जो BSc नर्सिंग, BSc जूलॉजी और पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो थर्मोरेगुलेशन से आज हम जानेंगे कि हमारा बॉडी जो है टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जब टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो थर्मोरेगुलेशन का हम पहले डेफिनेशन जानेंगे। थर्मोरेगुलेशन जो है दो वर्ड से जुड़ के मिला है। थर्मो का मतलब होता है हीट और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना। तो थर्मोरेगुलेशन का डेफिनेशन ये होगा, थर्मोरेगुलेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर एनिमल रेगुलेट देयर बॉडी हीट। थर्मोरेगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग एनिमल जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी हीट को रेगुलेट करता है, मतलब मेंटेन करता है। अब ये मेंटेन करने का तरीका जो है बहुत डिफरेंट, बहुत वेरियस मीन से अपने बॉडी टेम्परेचर को वो बदल सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो बाय वेरियस मीन्स, तो हम ये फिर से मैं बोल रही हूँ, थर्मोरेगुलेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर एनिमल रेगुलेट देयर बॉडी हीट बाय वेरियस मीन्स। मतलब एनिमल जो अपने बॉडी हीट को रेगुलेट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है बहुत अलग अलग तरीकों से। तो बाय वेरियस मीन्स, अब ये वेरियस मीन्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो कोई एनिमल्स जो है अपने थर्मोरेगुलेशन जो है, अपने बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन जो करेगा, वो तीन तरीके से कर सकता है। एक बॉडी के स्ट्रक्चरल में कुछ डिफरेंस ला सकता है, बिहेवियरल एडेप्टेशन हो सकता है उसके बॉडी में, और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के द्वारा भी थर्मोरेगुलेशन हम कर सकते हैं, लिविंग और एनिमल्स कर सकते हैं। तो थर्मोरेगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल अपने बॉडी हीट को मेंटेन करता है इस तीन तरीकों से, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के द्वारा, बिहेवियर एडेप्टेशन के द्वारा एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के द्वारा। थर्मोरेगुलेशन समझ गए बच्चों। अब आता है एक टर्म आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर एट विच एन ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म ऑल वाइटल एक्टिविटीज स्मूथली इज डेसिग्नेटेड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने इन्वायरमेंट में जब रहता है, वो सर्वाइव करता है, तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर, ये जो है मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर, हम अपने डेली जो हम इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव कर रहे हैं, एक सुटेबल टेम्परेचर के द्वारा हमारा बॉडी जो है अपने हीट को मेंटेन करता है, इसी सुटेबल टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि यूथेरियन मैमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। यूथेरियन मैमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ऑल अबाउट 36 डिग्री to 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में, अपने बॉडी के हीट को मेंटेन करके रखता है। ये 36 डिग्री to 38 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यूथेरियन मेंबर्स इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर डेली अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। जब ये टेम्परेचर, मानो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, समर है, +40 to +45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या कोल्ड जब विंटर आता है, तो -20 to -5 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है, तो एनिमल्स क्या करेंगे, यूथेरियन मेंबर्स क्या करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज़ मेड पॉसिबल बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। अगर हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और लो हो जाता है, तब हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन का मतलब हीट, हमें गर्मी पैदा करना पड़ेगा, और एंड हीट लॉस, बहुत गर्मी है तो हमें अपने बॉडी से हीट को निकालना पड़ेगा, गर्मी को निकालना पड़ेगा। तो हमें इन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस को जो है बैलेंस करके रखना पड़ेगा, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे एडेप्टेशन, जैसे हमने देखा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, बिहेवियर एडेप्टेशन एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के द्वारा हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। अब हम देखेंगे कोल्ड इन्वायरमेंट एंड हॉट इन्वायरमेंट में
जब हमारा बॉडी, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स जब जाते हैं तो उनके बॉडी में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसा कैसा एडेप्टेशन आता है जिससे वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। पहले देखिए कोल्ड इन्वायरमेंट, कोल्ड इन्वायरमेंट है तो यहाँ का टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर होगा। हॉट इन्वायरमेंट में हाई टेम्परेचर होगा, +40, +45, 30, +35। तो उस वक्त क्या होगा, कोल्ड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर अगर -40 चला गया है, -30 हो गया है, -20, तब एनिमल्स जो है अपने बॉडी में कैसे एडेप्टेशन लाते हैं। तो जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, जब लो टेम्परेचर में पहला हम एग्जांपल देखते हैं एडेप्टेशन, वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हो जाते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्ट का मतलब वो अपने साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या ब्लड वेसल्स जो है अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा हल्का छोटा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन। तो जैसे ही वासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो वहाँ से लेस हीट डेसिपिएट, वासो कंस्ट्रिक्शन हमें ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेंगे, तो हीट लॉस जो होता है कम हो जाता है। जब कोई भी बॉडी अगर बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है, तो वहाँ पे हीट का लॉस ज़्यादा होता है, और कोई छोटी चीज़ से हीट का लॉस कम होता है। तो कोल्ड इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी ने क्या किया, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो अपने साइज को छोटा कर दिया है, और वहाँ पे हीट लॉस जो है कम होने लगेगा, लेस हीट डेसिपिएट। और जब वासो कंस्ट्रिक्शन जब होता है तो क्या होता है बच्चों, हीट कंजर्व होता है, हीट वहाँ पे बच रहा है, हीट कंजर्व हमें देखने को मिलेगा। तो वासो कंस्ट्रिक्शन हम लो टेम्परेचर में हमारा ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, वही जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, वासो डायलेशन करने लगता है। वासो डायलेशन, डायलेशन का मतलब होता है फैलना। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ब्लड वेसल्स अपनी साइज को हल्का एक्सटेंड कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो डायलेशन ब्लड वेसल, वासो डायलेशन का मतलब है डायलेट ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिमूव होगा। जो हमारे ब्लड में हमारे बॉडी टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो हमारा बॉडी अब अपने आप को कैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। तो हॉट टेम्परेचर में हमारा ब्लड वेसल जो है डायलेट हो जाएगा, जिसे हीट रिमूव फ्रॉम बॉडी। जैसे ही वासो डायलेट होगा, वासो डायलेशन होगा, तो हमारा बॉडी से जो हीट रिमूव हो जाएगा। अब कोल्ड इन्वायरमेंट में सेकेंड क्या होगा, थर्मोजेनेसिस। थर्मो का मतलब होता है, थर्मो का मतलब हीट, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन करना। तो सेकंड चीज़ हमारी बॉडी कर सकती है कि थर्मोजेनेसिस कर सकती है। थर्मोजेनेसिस का मतलब हीट बनाना, हीट प्रोडक्शन करेगी। तो थर्मोजेनेसिस का मीनिंग है हीट प्रोडक्शन। तो हम हीट प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, हमारा बॉडी हीट प्रोडक्शन कैसे कर सकता है, गर्मी को कैसे पैदा कर सकता है। तो हमें दो एग्जांपल देखने को मिलेंगे बच्चे, पहला है कि शिवरिंग मतलब कांपना, और सेकंड है नॉन शिवरिंग। तो शिवरिंग जो है, हम ठंड में हमारे हाथ पैर जो होते हैं कांपने लगते हैं, ये भी एक टाइप का एक्सरसाइज है। शिवरिंग एक टाइप का एक्सरसाइज है, और शिवरिंग करने से क्या होता है, हमारी बॉडी हीट बनाती है, हीट प्रोडक्शन होता है, गर्मी पैदा होता है। तो शिवरिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जो कि हम लो टेम्परेचर में अगर हमें अचानक, सबके साथ होता है, जब हम बहुत ठंड लगने लगता है तो अचानक अगर हम चेयर पे भी बैठे हैं तो हमारे पैर हाथ जो होते हैं शिवरिंग कांपने लगते हैं, उससे हमें हमारे बॉडी को गर्मी मिलती है। सेकेंड एग्जाम्पल है नॉन शिवरिंग। नॉन शिवरिंग जो है एक हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो वो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है हीट प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। अब आता है हॉट इन्वायरमेंट। हॉट इन्वायरमेंट में सेकंड हम देखेंगे, पहला तो हमने वासोडायलेशन देखा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जा रहा है। सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे जो हमारा स्वेट ग्लैंड है, स्किन के नीचे एपिडर्मिस स्किन के नीचे जो हमारा स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब पसीने स्किन से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे टेम्परेचर गर्मी के टाइम में
सब गर्मी के टाइम में हमें पसीने क्यों चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारा स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी है ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करना जानती है, इसलिए स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर लेती है और पसीने जो है वो स्किन से बाहर आने लगते हैं, स्वेट ग्लैंड से बाहर आने लगते हैं। तो स्वेट ग्लैंड से जब पसीने बाहर आते हैं तो क्या होगा, वो पसीने जो पसीना है वो एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। जब हमें बहुत पसीना चलता है कुछ देर के बाद हमारी बॉडी ठंडक फील करती है, तो क्योंकि जो पसीना जो स्वेट ग्लैंड से जो बाहर आया था वो एवोपरेट करके ऊपर चला गया, जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट हमें हमारे बॉडी को देखने मिलता है। तो थर्मोरेगुलेशन में तीन अडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, बिहेवियरल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन से हम एनिमल्स जो ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। थर्मोरेगुलेशन का हमने डेफिनेशन जान लिया है। थर्मोरेगुलेशन में हमने देखा कि हमारी बॉडी जो एनिमल्स में तीन अडेप्टेशन देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन देखने को मिलता है, जिससे एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बनाए रखता है। तब फिर अब देखते हैं हम कोल्ड इन्वायरमेंट और हॉट इन्वायरमेंट में एनिमल्स अपने बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं। कोल्ड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर लो होगा, हॉट इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हाई होगा। तो कोल्ड टेम्परेचर में हमें फर्स्ट देखने को मिलेगा वासोकंस्ट्रिक्शन। वासोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है जो ब्लड वेसल्स से वो सिकुड़ जाएंगे, मतलब अपनी नॉर्मल साइज से साइज हल्का छोटा हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो वासोकंस्ट्रिक्शन इज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जब कंस्ट्रिक्ट होगा, कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा उसमें, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, वहाँ पे हीट कंजर्वेशन होगा। हीट वहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है, लूज नहीं होने वाला है, हीट वहाँ पे कंजर्व होगा। तो वासोकंस्ट्रिक्शन जो है हीट को कंजर्व करती है। तो ये पहला एडेप्टेशन हो गया। और हॉट इन्वायरमेंट में अब इसका ऑपोजिट होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है, +40, +45 डिग्री सेल्सियस देखने को हमें मिलेगा। तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। तो इसे हम वासोडायलेशन बोलते हैं, डायलेट ब्लड वेसल्स। तो वासोडायलेशन से क्या होगा, हीट रिमूव फ्रॉम बॉडी, जो हीट जो है हमारे बॉडी में वो रिमूव होने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी। तो वासोडायलेशन जो है ये हीट को रिमूव करने में हेल्प करती है। बच्चों जो क्या होता है, जो साइज में जो छोटे होते हैं, साइज जैसे छोटा है तो वहाँ पे हीट लॉस कम होगा। जैसे अंटार्कटिका में देखिए, पेंगुइन्स को देखिए, उनकी हाइट छोटी क्यों है, हाइट छोटी होने से उनके जो फ्लिपर्स जो है वो छोटे क्यों हैं, क्योंकि हीट लॉस जो है उनके बॉडी से कम होगा। जो बॉडी बड़ी होती है तो उससे हीट लॉस जो है ज़्यादा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वासोकंस्ट्रिक्शन हो गया, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गया तो यहाँ पे हीट कंजर्व हो रहा है, और वासोडायलेशन हो गया, ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो गया तो यहाँ पे हीट रिमूव हो रहा है। अब सेकेंड एडेप्टेशन हमें देखने को मिलेगा, थर्मोजेनेसिस। यहाँ पे थर्मोजेनेसिस में क्या होगा बच्चों, कि हमारी एनिमल्स की जो बॉडी है यहाँ पे बॉडी प्रोडक्शन हीट प्रोडक्शन करेगी, हीट बनाना स्टार्ट कर देगी। थर्मोजेनेसिस, थर्मो का मतलब होता है हीट, जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस करना, वो प्रोडक्शन करना। तो थर्मोजेनेसिस इज अ हीट प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो एनिमल्स जो हीट प्रोडक्शन अपने बॉडी में कैसे कर सकती है, दो मेथड है। पहला शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। ठंड के टाइम में अगर हम चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे अधिकतर से मान चेयर पे बैठे हैं कि कहीं पे भी हम बेंच या टेबल पे बैठे हुए हैं बहुत देर से, जब हमें ठंड अचानक तेज़ लगने लगता है तो हमारी बॉडी जो है पैर जो है शिवरिंग करने लगते हैं, कांपना स्टार्ट हो जाता है। तो शिवरिंग एक टाइप का एक्सरसाइज है। शिवरिंग गौर कीजिए, हमें गर्मी के टाइम पे हमारी बॉडी में कंपन नहीं आता है, कांपना स्टार्ट, हम कांपते नहीं है। ठंड में हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली, जब ठंड अगर हमारे बॉडी को ज़्यादा लगता है तो हम कांपना स्टार्ट कर देते हैं। तो शिवरिंग जो है ये हीट प्रोडक्शन का मेथड है, शिवरिंग एक टाइप का एक्सरसाइज है। और सेकंड है नॉन शिवरिंग। तो नॉन शिवरिंग में क्या होगा, एक हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन से जो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है थर्मोजेनेसिस करने में हेल्प कर रही है, मतलब हीट प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रही है। हॉट इन्वायरमेंट में सेकंड होगा, देखने को हमें मिलता है कि एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, पसीना हमें
गर्मी के टाइम में ज़्यादा क्यों निकलता है? ठंड में हमारा जो स्वेट ग्लैंड होता है, एनिमल्स का जो स्वेट ग्लैंड होता है वो इनएक्टिव मोड में होता है, जबकि हॉट इन्वायरमेंट में गर्मी के टाइम में हमारा स्वेट ग्लैंड जो एक्टिवेट हो जाता है और गर्मी के टाइम में इसलिए हमें पसीने ज़्यादा निकलते हैं। तो इसका फ़ायदा है बच्चों, जब स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो पसीना जब ग्लैंड से बाहर आता है तो वो पसीना एवोपरेट होता है, एवोपरेट होके ऊपर चला जाता है। एवोपरेट होके जैसे ही पसीना जब ऊपर जाता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट होता है। मतलब आप गौर करना है इस बात पर, जब हमें पसीना ज़्यादा चलता है तो कुछ देर के बाद हमें ठंडक महसूस होता है। तो जो पसीना निकलने का जो प्रोसेस है वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है बच्चों। कोल्ड इन्वायरमेंट में थर्ड हमें देखने को मिलेगा रेजिंग देयर फर। एनिमल्स क्या करते हैं, अपने फर को, बाल को जो है वो रेज कर लेते हैं, जिसे हम गूज वम्स भी बोलते हैं। तो ये फर जो बाल जो है ठंड के टाइम में कोल्ड इन्वायरमेंट में जो हमारे बाल जो खड़े हो जाते हैं, क्यों होता है? इससे क्या हो रहा है कि जब हमारे बॉडी के जो फर और जो हेयर बोलो, तो जब वो खड़े हो जाते हैं तो बॉडी की जो हीट है उस बालों के बीच में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और हमें मतलब वो हीट जो है बालों के बीच में, फर के बीच में ट्रैप हो गया है, तो वो हीट जो है बाहर जा नहीं पाता, जिसके कारण हमें हमारी बॉडी जो है गर्म रहती है। और रेजिंग द फर जो है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो है अपने आप को बचाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो उनका जो कोई शिकार कर रहा है तो अपने बॉडी के फर को, हेयर को रेस कर लेते हैं, जिससे जो उसका शिकारी है उसे डर जाए। तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हॉट इन्वायरमेंट में, हाई टेम्परेचर में हमें एनिमल्स में क्या देखने को मिलेगा, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग का मतलब है कि माउथ से जो है सलाइवा को कंटिन्यूसली निकालते रहना है। मतलब सलाइवा से में तो 90% वाटर है, तो वाटर को कंटिन्यूसली निकालते रहना है। जैसे डॉग में देखते हैं कि उनका जो डॉग का जो टंग होता है वो हर वक्त बाहर रहता है और उससे लार टपकते रहते हैं। तो पेंटिंग जो कैसा प्रोसेस है, पेंटिंग में एनिमल्स क्या करते हैं, रिमूव ऑफ सलाइवा या बोले तो वाटर। तो पेंटिंग हमें किस में देखने को मिल रहा है, डॉग। कोल्ड इन्वायरमेंट में फोर्थ है इंसुलेटिंग फैट। जो जानवर, जो एनिमल्स कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे अंटार्कटिका में रहते हैं, उनमें एक फैट की लेयर होती है, बैली जो उनके स्किन की एपिडर्मस स्किन के अंदर में एक फैट की लेयर होती है, जिसे बोलते हैं ब्राउन फैट। ब्राउन फैट को एक नाम है ब्लबर। तो ये हमें अंटार्कटिका रीजन में जितने भी एनिमल्स हैं हमें उनके पास ब्लवर देखने को मिलेगा। ये ब्लवर जो है तो ब्राउन फैट है, ये बहुत इंसुलेटिंग फैट है। ब्लवर जो बॉडी की जो अंदर में बॉडी की जो हीट है इस फैट से बाहर नहीं जा पाती, और ये कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स को हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल वेल एंड शील जो है ये कोल्ड इन्वायरमेंट में बर्फीली जगह में रहने वाले जानवर है, जिनके उनके बॉडी के अंदर ब्लवर की एक लेयर मिलती है। तो ये सब अडेप्टेशन है जो एनिमल्स में देखने को मिलता है। ये हॉट इन्वायरमेंट में अब लास्ट है यूरिनेशन। यूरिन जो एक्सक्रीट करते हैं उससे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, जैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बॉडी का लो हो जाता है टेम्परेचर। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम, जिस ऐसा मैम्बल हम एनिमल्स देखेंगे जो सलाइवा और यूरिन को बाहर निकाल के अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो वो कौन सा है, बैट। बैट एक ऐसा मैम्बल है जो अपने बॉडी थर्मोरेगुलेशन वो कैसे करेगा, बैट थर्मोरेगुलेशन ऑप्टिमम टेम्परेचर को कैसे बैट मेंटेन करके रखेगा, तो वो बैट में सलाइवा भी बाहर वो निकालता है और यूरिन भी एक्सक्रीट आउट करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो ये कुछ अडेप्टेशन है कोल्ड इन्वायरमेंट और हॉट इन्वायरमेंट में। अब हमें देखना है कि कौन सा अडेप्टेशन जो है, से थर्मोजेनेसिस, वासो कंस्ट्रिक्शन, वासो डायलेशन, किस टाइप का अडेप्टेशन है। तो वासो कंस्ट्रिक्शन एंड थर्मोजेनेसिस ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। और रेजिंग हेयर और फर, बाल और फर को जो हम रेज कर लेते हैं, खड़े कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का ये दो एग्जांपल हमने देखा। वासो कंस्ट्रिक्शन, थर्मोजेनेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, एंड रेजिंग हेयर या बोले तो गूज़बम्प्स इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन।
तो कोल्ड इन्वायरमेंट और हॉट इन्वायरमेंट में एनिमल्स कैसे थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस करते हैं ये हमने देखा। इस थर्मो रेगुलेशन में और टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस, हम हीट लॉस को कैसे प्रिवेंट करेंगे और हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशन हमें क्या क्या नेचर के द्वारा मिला है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा जाना थर्मोरेगुलेशन का डेफिनेशन जाना, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, यूथेरिन मेम्बर्स अपने 36 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एनिमल्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना। फिर कोल्ड इन्वायरमेंट और हॉट इन्वायरमेंट में कुछ अडेप्टेशन देखे, एक हमने बस थर्मोरेगुलेशन का एक व्यू देख लिया है। बच्चों तो ये टॉपिक जो है बीएससी जूलॉजी बीएससी बॉटनी से जो ऑनर्स कर रहे हैं पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट हैं नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन सारे यूनिवर्सिटी डिग्री वाले बच्चों के लिए है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में डालेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट। थैंक यू।